अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बन रही है दाल, और ये है मसर की दाल। आज मैं आपको मेथड जो बताऊँगी ये बहुत ही डिफरेंट है, और हम करने लगे हैं सहरी, क्योंकि 9 ज़िलहज है आज, और बहुत ही सवाब है आज के दिन का रोज़ा रखने का। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आज माशाल्लाह से रोज़ा रखेंगे। और यहाँ दाल बन रही है, काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनी थी, तो यहाँ मैं चिकन भी मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अफ्तारी के लिए मैं साथ ही मैरिनेट करके रख दूँ, क्योंकि बाद में फिर दिन के टाइम बहुत गर्मी हो जाती है और किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो मैंने ऑलरेडी इसको मैरिनेट करके रख लिया है। तो इसमें मैंने तंदूरी मसाला वगैरह ऐड किया है। मेरा दिल था कि मैं कुछ तिक्का टाइप बना लूँ ना, तो अफ्तारी के टाइम अच्छा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मैरिनेट कर लिया था। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और यहाँ दाल बन रही है। दाल में सिंपल मैंने प्याज़ और लहसुन और नमक मिर्च डाल के इसको बॉयल कर लिया, पानी डाला और बॉयल कर लिया। तो यहाँ ये बॉयल हो चुकी है। अच्छा, हर जगह का खाना डिफरेंट होता है मुझे लगता है, लेकिन मेरे जिस सिटी में मेरी शादी हुई है, ये आप अब गैस करेंगे कि ये कहाँ की रेसिपी है। क्योंकि जहाँ पे मेरी शादी हुई है वहाँ पे दाल बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है। बॉयल तो वैसे ही की जाती है जैसे आम होती है। अच्छा, ये साहिबा इस टाइम जाग रही थी और रो रही थी, क्योंकि बेलून से खेल रही थी और बेलून जो है वो इसका फट गया था, तो बस डर के ये रोने लग गई। जब ये सेकंड बेलून भी आ चुका है, बस मस्ती चल रही है अब रात के इस टाइम, और इसी तरह ही बस बच्चे खेलते रहते हैं। रमज़ान सारा भी ऐसे ही बस जागती रहती थी, मुझे रमज़ान याद आ गया। तो अब यहाँ पे अच्छा मैं बताने लगी हूँ कि दाल कैसे बनती है बहुत डिफरेंट तरीके से, और लस्सी भी बन रही है। कौन कौन लस्सी पीता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं तो नहीं पीती, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ लस्सी रेडी हो रही है, ये नमकीन लस्सी है। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से जो लस्सी बनती है, दही नमक और पानी डाल के, बस वैसे ही है, और इसको ग्राइंड कर लिया और ये बन रही है। अच्छा, दाल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ मैंने डाला है देसी घी। ठीक है, ये पराठा भी देसी घी का बन रहा है, और जो बैग पे आपको नज़र आ रहा है देसी घी, ये बिल्कुल होममेड है। ये हम कभी भी बाज़ार से नहीं लेके आते, ये घर में बनता है देसी घी। और देसी घी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी। आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कहीं से हमने स्पेशल बनवाया हुआ है, और बिल्कुल ये होममेड है, और बहुत ही मज़े का टेस्ट में होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें। अगर ऐसा देसी घी आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसकी रेसिपी दे दूँगी। और यहाँ दाल बॉयल हो चुकी है, और यहाँ मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। अच्छा, तड़के के लिए भी देसी घी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ की जो दाल है वो बहुत ही डिफरेंट है, कह लें कि जिस शहर से मैं आई हूँ वहाँ की दाल, और जिस शहर में मेरी शादी हुई है, जहाँ पर मैं रह रही हूँ, यहाँ की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ लहसुन डाल के मैंने देसी घी का तड़का लगा लिया था, और यहाँ देसी घी के पराठे भी बन रहे हैं। यूजुअली हम इतना लाइक नहीं करते पराठा, लेकिन बस आज रोज़ा रखना था तो दिल कर रहा था पराठा खाने को, और हस्बैंड भी मेरे इतना लाइक नहीं करते डेली रूटीन में, लेकिन बस आज दिल कर रहा था। तो अच्छा, पराठा भी हम ब्राउन पराठा खाते थे, लेकिन यहाँ आकर मैंने ये वाला पराठा बनाना सीखा है, और ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अच्छा, दाल को भी देसी घी और लहसुन डाल के बारीक बारीक काट के लहसुन आपने ब्राउन कर लेना है, फिर उसको तड़का लगा लेना है। ठीक है, अब इसका मज़े का स्टेप जो आ रहा है वो नेक्स्ट है, और आपने मुझे बताना है कि आपके शहर में ऐसे दाल बनती है। जो हम दाल खाते हैं वो सैलेड के साथ और राइस के साथ खाते थे, कभी कभार रोटी के साथ भी खा लेते थे, लेकिन सिंपल प्लेन रोटी। और यहाँ पर अगर नॉर्मली दाल बने तो ऐसे ही बनती है, लेकिन उसके साथ सिंपल रोटी और ऊपर उसके भी देसी घी लगता है। अच्छा, लस्सी भी रेडी हो गई थी और मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया। अच्छा, यहाँ फिर आ गया देसी घी। अच्छा, ये थर्ड टाइम अब आ रहा है देसी घी दाल के लिए। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही स्पेशल किस्म की दाल है। बस यहाँ पर देसी घी आ गया, और यहाँ पर आटे बन रहे हैं देसी घी के। बस मेरे हस्बैंड ही हैं, तो बस दुआओं में हमें याद रखें, और जिस जिसने रोज़ा रखा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, सबसे मज़े का जो पार्ट है वो यहाँ आ गया है जी, फ्राइड एग आपने बनाना है देसी घी में, और उसको ऐसे प्लेट में रख लेना आपने,
ठीक है, और इसके ऊपर दाल डाल देनी है, और दाल डालने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। बस हमारी मज़ेदार किस्म की दाल तैयार है। सब मुझे बताएं कि कौन कौन इस तरह से दाल खाता है। और यहाँ पर रेडी हो चुका है, हमने बस रोज़ा रख लिया था, जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और बस जिस जिसने रोज़ा रखा है वो सब हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले साल हमें हज पे जाने की तौफीक अता करें और ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार करें, और दुआ में हमें याद रखें। और मुझे बताएँ कि आपने कुर्बानी देनी है